गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज फॉर क्लास 8 साइंस एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर 5 दैट इज नोन एज कोल एंड पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस टाइम आवर टॉपिक इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक टूडे। आफ्टर दैट वी विल रिवाइज द चैप्टर and then tomorrow we will try to complete the question answer of this chapter. So let's start and be ready for the revision. So by revision we can check ourselves that we how much we revise by ourselves and हमें कितना याद रह गया है, तो ये सब हम लोग चेक करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप रोज जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है उसको देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी द टॉपिक दैट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू कैन सी हियर सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको इस टॉपिक से ही सारी मीनिंग क्लियर हो गई है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड मतलब बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है। लिमिटेड मींस एक फिक्स अमाउंट में है, इनफाइनाइट नहीं है, और अगर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो दे विल डेफिनेटली फिनिश्ड वन डे। ओके, सो यू कैन सी हियर वी हैव स्टडीज इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स फॉरेस्ट मिनरल्स एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यू कैन सी द फॉसिल फ्यूल्स, देन फॉरेस्ट, देन मिनरल्स। सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन आर नेचर। नाउ यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। On the other hand, the known reserves of these will last amount a few hundred years. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बनने में, जो भी ऑर्गेनिज्म से बने हुए या फिर फॉरेस्ट से बने हुए, बट इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं, और अब इनकी एज मतलब हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया इन्हें कि अब लगभग 100 ईयर्स और यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि 100 ईयर्स ज़्यादा है, इससे पहले ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज फिनिश हो जाएंगे जिस रेट से हम इसको यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बट ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इट विल बी बेटर फॉर आवर एनवायरमेंट एंड और ये रहेगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कि रिक्वायरमेंट होने पे इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे देखिए, दीज टाइप ऑफ फ्यूल्स की बर्निंग से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन जानते हैं आप, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप के जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनका जब कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ओके, देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग तो आप समझते ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ये है कि जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस का अमाउंट बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, हीट ट्रैप करते हैं। हीट ट्रैप करने से इन्वायरमेंट का हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, और पूरे वर्ल्ड जो ग्लोब है हर जगह पे ऐसा हो रहा है, तो इसको जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। अभी इसी की बात कर रहे थे हम। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि इस टाइप के जो फ्यूल्स हैं उनका सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़रूरत हो। ओके, दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, जिससे क्या होगा, बेटर होगा हमारा इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क नहीं रहेगा, एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे पास अवेलेबल भी रहेंगे। तो देखिए, इतने सारे
फ़ायदे हैं अगर हम मिनिमम यूज़ करें इस टाइप के जो हमारे पास फ्यूल्स हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये सब है, बेहतर रिजल्ट मिलते हैं इससे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज नोन एज PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग देयर टिप्स। तो यहाँ पे जो PCRA ये बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं कि आप जब भी ड्राइव कर रहे हो तो आप मिनिमम पेट्रोल डीजल कैसे यूज़ करेंगे ड्यूरिंग ड्राइव। तो उसमें देखिए कौन कौन से एडवाइसेस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो आपका जो भी व्हीकल है उसका जो स्पीड होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए और मॉडरेट होना चाहिए। एक फिक्स आप रोड पे देखते होंगे एक फिक्स स्पीड लिमिट होती है, तो कोशिश करना चाहिए कि उसके आसपास ही स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखें, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल, जितना अधिक से अधिक हो सके। ओके, सेकेंड वन इज स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। तो आपको जहाँ भी ट्रैफिक में और या किसी का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मतलब इंजन को बंद कर देना चाहिए जिससे हमारा फ्यूल वेस्ट नहीं हो, ठीक है। उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंजन को ऑन ही रखते हैं, वेट करते रहते हैं काफ़ी देर तक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू लर्न। जैसे ट्रैफिक लाइट अभी सिग्नल नहीं है तो आपको 5 मिनट वेट करना होगा, तो आप इंजन को स्विच ऑफ कर सकते हैं जिससे आप काफ़ी अमाउंट में फ्यूल सेव कर सकते हैं। आपको पता है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर इतने सारे लोग इन सारे रूल्स का फॉलो करें तो हम लोग पर डे बहुत सारा फ्यूल बचा सकते हैं। और एट प्लेस वेयर या फिर उन प्लेसेस पे जहां आप किसी का वेट कर रहे हैं वहां भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नाउ इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। सो आपके जो व्हीकल है उसके अंदर जो टायर में जो हवा भरी है वो भी एक करेक्ट होनी चाहिए, मतलब परफेक्ट उसका वैल्यू होना चाहिए। तो उसको लगातार उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो आपकी जो व्हीकल है उसके मेंटेनेंस का भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इंजन सही चल रहा है कि नहीं, उसमें मोबिल प्रॉपरली है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देख के अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप काफ़ी अमाउंट में फ्यूल सेव कर सकते हैं। ये सारे एडवाइसेस किसने दिया है, ये सारे एडवाइसेस देती है PCRA। PCRA कौन है, अगर PCRA की बात करें तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक्स है ये सिर्फ हमें एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं पढ़ना है, बट ट्राई टू फॉलो दिस टॉपिक। हमें पता है कि आप लोग ड्राइव नहीं करते, बट ट्राई टू गिव एडवाइस ड्यूरिंग व्हेन यू ट्रैवलिंग एनीवेयर। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लोगों को बता सकते हैं, या आप किसी के साथ जा रहे हैं व्हीकल से तो उसको बता सकते हैं कि ड्राइव कैसे करनी चाहिए, आपने बुक में क्या पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जिसको आप यूज़ करके दूसरों से भी फ्यूल सेव करा सकते हैं। ओके, तो ट्राई टू डू एंड ट्राई टू शेयर द थिंग्स टू अदर्स टू हेल्प योर सेल्फ, टू हेल्प योर नेशन, टू सेव द फ्यूल। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर यू कैन सी दिस पोर्शन इज द की वर्ड्स, यू कैन सी हियर द कोल। सो ट्राई टू राइट सम लाइन्स अबाउट कोल, यू कैन राइट वॉट इज कोल एंड हाउ इट इज फॉर्म, वट इज इट्स कलर, सो यू कैन राइट इट्स इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, देन वट इज इट्स यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। सिमिलरली यू कैन सी द सेकेंड वन इज द कोल गैस। ओके, सो यू कैन राइट सिमिलर थिंग फॉर द कोल गैस, देन फॉर कोल तार,
You can see here these three are the product of the coal. Here you can see that is coal gas, coal tar and coke. So you can write about these, it will be beneficial for you. Similarly, the fossil fuel, what is fossil fuel, you can write about this, we have completed in this chapter. Natural gas, of course you know about natural gas. What is natural gas? CNG, you know about CNG and other natural gases. Then petroleum, so you can write about petroleum and how it is formed. So this help in revision of your chapter. Then petroleum refinery, what is meaning of petroleum refinery? So petroleum refinery क्या है, इन सभी words के बारे में आप लिख सकते हैं. ओके, तो try to write about these words. These are the key words of this chapter. If you write about these key words, it means you have revised this chapter. Okay, these are the important topics of this chapter. Now what you have learned? तो आपने क्या क्या सीखा इस chapter को पढ़ने के बाद? So you learned about coal, petroleum and natural gas or fossil fuels. तो आपने ये पढ़ा कि coal, petroleum और natural gases जो है वो क्या है? Fossil fuels है, ठीक है? Then fossil fuels were formed from the dead remains or living organism millions of years ago. तो fossil fuels कैसे बने थे, मतलब किन चीज़ों से बने थे और इसको बनने में कितना time लग गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, fossil fuels were formed from dead remains, ये मरे हुए या फिर living organism से बने हुए हैं millions of years में, ठीक है? यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं conditions, कौन कौन सी conditions हैं. तो आपको पता है when these organism buried under the soil and due to in absence of air and in presence of very high temperature and pressure, these organism converted into the fossil fuel by the chemical changes. Okay, so you can write like this. Then fossil fuels are exhaustible resources. So I hope you know what are exhaustible resources, students. The natural resources which are present in our nature in limited amount are known as exhaustible resources. These resources have a limited value. They cannot be used in infinite period of time, but their continuous use, अगर इनका continuous use करते रहेंगे तो कभी न कभी ये क्या होंगे, end हो जाएंगे, finish हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो इसके बारे में आप जानते हैं, coke, coal tar and coal gas are product of coal. तो coal के हमने ये product पढ़ा था, coal, coke, coal tar and coal gas are products of coal, ठीक है? Then petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricant or lubricating oil are obtained from refining of petroleum. तो आप इसको भी पढ़ चुके हैं कि आपको refinery, petroleum का जब refining करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है. तो आपको मिलता है petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ से. देन कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम ज्यूडिशियली. तो ये जो हमारे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या है, ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इट मीन्स ये लिमिटेड अमाउंट में, तो हमें इसका जो यूज़ है वो सोच समझ के करना चाहिए, इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इनका यूज़ किया जा सकता है, आफ्टर दैट दे विल फिनिश्ड एंड दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आर एनवायरनमेंट. तो इसको भी ध्यान में रखते हुए इनका यूज़ करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, बट आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर for you because this chapter is very important. So let's take a quick revision of this chapter from beginning. Okay, so take your copy and pen and I will give you some time to write about the different topics and I will discuss the questions
फ्रॉम मीड ऑफ द चैप्टर, बिकॉज आप के एग्ज़ाम में वही सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हैं, बट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कहीं से भी इस चैप्टर के अंदर से, तो हम वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद कल हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और उसको नोट भी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, दिस वॉज द टेबल, सो आई होप कि अब आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी फिल करिए, एटलीस्ट 4 नेम लिखिए नेचुरल रिसोर्सेज के, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, नेचुरल मटेरियल कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैन मेड लिखिए एटलीस्ट 4। ओके, तो जल्दी इसको फिल करिए, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम टू फिल दिस टेबल। ओके, तो पॉज करिए इस वीडियो को और इस टेबल को फिल करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हिंट आपको दिया हुआ है, इस पैरा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें वाटर सॉइल एंड मिनरल्स, ये सभी क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और भी आप सॉरी नेचुरल सब्सटेंसेस और भी लिख सकते हैं आप, जैसे वुड है, स्टोन, ओके, ये सभी है डिफरेंट टाइप की, और भी गैसेज हैं उनका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी नेचुरल है। मैन मेड में आप लिख सकते हैं मोबाइल, टेलीविज़न, लैपटॉप्स, डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है इस पोर्शन से, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज से, इन पे शॉर्ट नोट लिखने को दिया जा सकता है, ठीक है, विच वन इज़ बेटर। और इनमें से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के जो एग्जांपल्स हैं, अगर इनसे एनर्जी हम लोग यूज़ करें तो ये पोल्यूशन नहीं करते, इसलिए ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आप देख रहे हैं जो भी सनलाइट का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर सेल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स भी अब आ रहे हैं सोलर एनर्जी का यूज़ करके जो पोल्यूशन नहीं करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, एक तो ये इनफाइनाइट अमाउंट में अवेलेबल है, और दूसरे ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब ये किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट जनरेट नहीं करते इन्वायरमेंट में। सो दीज आर वेरी गुड इफ़ वी यूज दीज रिसोर्सेज एज द एनर्जी फॉर एनर्जी इन फ्यूचर एट द प्लेस ऑफ दीज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स, नेचुरल गैसेज, नेचुरल गैसेज आर ऑल्सो डू नॉट क्रिएट वेरी लार्ज एयर पोल्यूशन, बट द सनलाइट इज़ बेटर देन दीज ऑल। ओके, और ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट किया था, इस एक्टिविटी से हमको मोरल वैल्यू मिलती है कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ना चाहिए, इसलिए हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमम यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन से उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। ये हमारी मोरल वैल्यू भी है और यही हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगला टॉपिक था हमारा ये था एग्जॉस्टिबल, इस ये जो एक्टिविटी है इससे रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन है। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो रिमेनिंग रह जाते हैं रिमेन्स पार्ट उसी को फॉसिल्स बोलते हैं। तो इन्हीं फॉसिल्स के सम पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन में इन फॉसिल्स का जो केमिकल चेंज हुआ
उससे जो फ्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, दिस वन इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मीन्स, दिस वर्ड को याद रखिए, फॉसिल मीन्स होता है द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपको ये वर्ड याद रहा तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसका आंसर। सो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और व्हाई इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे व्हाई इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल या फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल्स कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स के टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वन इज कोल, तो आपको कोल के बारे में पूछा जा सकता है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें अब कोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो कोल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं इट इज़ वेरी हार्ड, एक हार्ड होता है स्टोन जैसा होता है। सेकेंड, इट्स कलर इज ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इसके जो सरफेस है देखिए ये रफ होते हैं, ठीक है, समटाइम्स स्मूथ भी हो सकते हैं बट जनरली ये रफ भी होते हैं। तो ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और इसका यूज पूछा जा सकता है, तो ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्यों, हीट जनरेट करने के लिए, ठीक है। पहले ये स्टीम इंजन में भी यूज किया जाता था स्टीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्मल पावर प्लांट में हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मेन इसका यूज किया जाता है। वैसे कोल का यूज करके हम लोग फूड, मतलब कुकिंग ऑफ फूड यहाँ पे देख रहे हैं, पहले करते थे, अब तो जनरली इसका कम किया जाता है। अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो फ्यूल है वो है सीएनजी, ज़्यादातर एरिया में सीएनजी ने सभी फ्यूल को रिप्लेस कर दिया। सीएनजी का मतलब तो सभी जानते होंगे, कंप्रेस्ड, सॉरी सीएनजी व्हीकल्स के लिए, हम लोग एलपीजी की बात कर रहे हैं। और कुकिंग हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है एलपीजी, एलपीजी का फुल नेम आपको पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसी का यूज़ करते हैं हम लोग घरों में अपने कुकिंग के लिए, ठीक है। अभी भी जहाँ पे एलपीजी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे केरोसिन ऑयल स्टोव से या फिर डिफरेंट वुड या फिर कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने स्टोरी ऑफ कोल पढ़ा था, तो आई होप कि आपको याद होगा। यू आर गिवन 3 minutes टू राइट दिस स्टोरी ऑफ द कोल, ओके, तो टेक योर कॉपी एंड पेन एंड ट्राई टू राइट स्टोरी ऑफ कोल विच यू हैव स्टडीज यस्टरडे। तो चलिए अपने से लिखना सीखिए स्टूडेंट, जब तक आप अपने से नहीं लिखना सीखेंगे ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड। तो आप मीनिंग तो जानते होंगे बट यू कैन नॉट राइट द सेम वे विच इज़ रिटन इन दिस बुक, ओके, और ऐसा लिखना भी नहीं चाहिए। ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड, आपने इसको पढ़ लिया, आपने इसको समझ लिया, नाउ ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड। देखिए आप जो लिख रहे हैं क्या उसका मीनिंग सेम है जो इस पैराग्राफ में आ रही है। ज़रूरी नहीं कि उसका आपने वर्ड वही यूज़ किए हों जो इस पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं, बट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस एंड द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ विल बी सिमिलर, ओके। तो आप लिखना सीखिए, क्योंकि हायर क्लासेज में जैसे जैसे आप जाते रहेंगे सिलेबस विल बी वेरी वास्ट एंड उस कंडीशन में आप हर चीज़ को एज इट इज़ जैसा कि बुक में लिखा है नहीं लिख पाएंगे। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, ट्राई टू थिंक एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स बाई योर सेल्फ इन योर ओन वर्ड्स, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल गिव यू मोर प्रेजर इन स्टडी, ओके। सो डोंट ट्राई टू मग अप दिस पैराग्राफ बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड, ओके। सो इस पैराग्राफ में अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस हो सकते हैं व्हाट आर कंडीशंस अंडर विच द फॉरेस्ट फॉर्म्स फॉसिल फ्यूल,
ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके वजह से जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए? तो योर आंसर विल बी व्हेन द डेंस फॉरेस्ट बरीड अंडर द सॉइल देन इन एब्सेंस ऑफ एयर देयर वॉज वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर अंडर दीज कंडीशंस ड्यू टू द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दीज फॉरेस्ट वर चेंज्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। देखिए कितने अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस वही एग्जाम में पूछे जाएं जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, बट आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस इन विच दिस फॉरेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म विच वर डेड अंडर द सी वर चेंज इन फॉसिल फ्यूल्स। तो यू शुड राइट दीज आंसर्स, दैट इज द कंडीशन वॉज वेरी हाई इन एब्सेंस ऑफ एयर देर वर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ यू कैन सी देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कार्बोनाइजेशन। सो वॉट इज कार्बोनाइजेशन? सो कार्बोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू द कोल। तो ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है, ये जो फॉरेस्ट है डेड, ये जिन प्रोसेस से के होने के बाद कोल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपके पास सामने एक कोल माइन का पिक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट रिएक्शन, अगर कोल को हम एनवायरनमेंट में बर्न करेंगे तो क्या होगा, तो कोल मीन्स होता है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, प्लस एयर में बर्न करेंगे, एयर मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, तो ओ टू, और ये बन जाता है CO2, तो आपको मिलता है CO2। तो आप देख रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट में आप कोल को बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है, CO2। और आप जानते हैं CO2 हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ क्रिएट करता है और एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे कोल या ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनसे बच के रहें, इनका मिनिमम यूज़ करें, इनको मिनिमम एयर में बर्न करें ताकि हमारे एयर क्लियर, क्लीन एयर मिले हमें और हम ज़्यादा हेल्दी रह पाएँ और डिजीज़ फ्री भी रह पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल। सो आप आंसर लिखेंगे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोल तार, क्योंकि कोल तार से आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए विच वन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल तार से ये सभी निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेफ्थलीन बॉल, जिनका यूज़ करते हैं आप अपने कपड़ों को बचाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है जो मौत से उससे बचाने के लिए आप यूज़ करते हैं नेफ्थलीन बॉल्स का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोल तार का यूज़ रोड बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बिटुमेन, जो कि पेट्रोलियम से मिलता है, इसका भी यूज़ रोड बनाने में किया जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो टेबल के अंदर लिखी होती हैं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कोल गैस देख सकते हैं, कोल गैस फर्स्ट टाइम इसको कहाँ बनाया गया था, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। सबसे पहले इसको स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया गया था कहाँ पे, लंदन में इन 1810, और उसके बाद न्यूयॉर्क में इसको यूज़ किया गया, ठीक है। ये भी यूज़ किया जाता है हीट जनरेशन के लिए, ठीक है, इसको हीट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट, हीट जनरेट करके हम लोग उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम उसे हीट का अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो ये था कोल से रिलेटेड। अभी आप देख रहे हैं पेट्रोलियम, तो आप पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम मिक्सचर है बहुत सारे मटेरियल्स का, यहाँ पे देख सकते हैं आप पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म
तो ये कैसे फॉर्म हुआ था इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इस कैसे फॉर्म हुआ पेट्रोलियम, इसके बारे में आपको लिखने के लिए 2 मिनट दिया जा रहा है। ट्राई टू राइट द स्टोरी ऑफ द पेट्रोलियम, ठीक है, अपने से लिखने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, तो पॉज करने के बाद लिखिए और उसके बाद इस पैराग्राफ के साथ मैच करिए, देखिए क्या आपने जो लिखा है उसकी मीनिंग, इस पैराग्राफ की मीनिंग जैसी ही है। तो आई होप कि आप इसको सही लिखेंगे, देन यू कैन सी द कि सबसे पहले कहाँ मिला था पेट्रोलियम वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। तो ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्परवियस रॉक है इसके अंदर, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर गैस क्योंकि इसकी डेंसिटी मिनिमम है, देन ऑयल क्योंकि इसकी डेंसिटी गैस से थोड़ी ज़्यादा है, और वाटर क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑयल से भी ज़्यादा है। ये आपको रिजर्वॉयर रॉक और इम्परफेक्शन इम्परवियस रॉक इनके बीच में यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे वेल बना के इनको यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे आप एक रिफाइनरी का पिक्चर देख सकते हैं, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी से ये सभी प्रोडक्ट पेट्रोलियम के अंदर से निकाले जाते हैं जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इनका यूजेज, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अभी अभी इसके बारे में पढ़े, और उसके बाद आप कैसे ड्राइव करें कि आप ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को सेव कर सकें। तो ये कुछ उसके टिप्स दिए गए हैं बाई PCRA, PCRA मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन। तो ये है, इसके बाद यहाँ पे की वर्ड एंड व्हाट यू हैव लर्न दिया था। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज गिवन इन दिस चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक, उसको हम लोग नोट भी कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, जो भी पिछला चैप्टर पढ़ा है वो भी रिवाइज करते रहिए। सो स्टूडेंट कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, ठीक है, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।